नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मानसरोवर विद्या विहार सूरत से मैं चौहान कौशिक। आज हम कक्षा 6 गुजराती मीडियम दूसरे सेमेस्टर में सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम है जरा मुस्कुराइए। दोस्तों आपको भी पता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई चुटकुला सुनाता है तो हम बहुत हंस पड़ते हैं, या फिर हमें कोई ऐसी हंसने वाली बात याद भी आ जाए तो हम मुस्कुराने लगते हैं। आज के इस तनाव भरी टेंशन वाले माहौल में आज सब लोग जहाँ देखो वहाँ बहुत दुखी दिखाई देते हैं। ऐसे समय में हम आज एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हंसने की बात आती है। वो हंसने की बात मैं आपसे करूं, उससे पहले मैं आपको एक दो जॉक्स सुनाता हूं, उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बात यह है कि एक आदमी आईना देखकर सोचने लगा। सुनिएगा, इसमें अंदर आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और हंसी भी आएगी। एक आदमी आईना देखकर सोचने लगा, वो आईने के अंदर खुद की तस्वीर देख रहा है, खुद को देख रहा है, इसको कहीं देखा है। थोड़ी देर सोचने के बाद सोच में पड़ गया और कहने लगे, और तेरी ये तो वही है जो कल मेरे साथ नाई के वहाँ बाल कटवा रहा था। देखा, दूसरी एक बात कहता हूँ, संता और बंटा। संता देख रहा है कि बंटा के छाते के ऊपर वो छाता ऊपर से थोड़ा फटा हुआ है, तो उसने कहा, संते ने कहा कि संता ने कहा कि बंटा ये ऊपर से तेरा छाता तो थोड़ा फटा हुआ है। ठीक है, फटा हुआ नहीं, मैंने ही फाड़ा है। ठीक है, क्यों? ठीक है, जब बारिश बंद हो जाए तो पता तो चलना चाहिए ना कि बारिश बंद हो गई। तो ऐसे ही कुछ चुटकुले यहाँ पर दिए गए हैं। जीवन में हंसी का बहुत ही महत्व है। हंसी जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़ें कि जो मुस्कुराने के लिए आपको मजबूर करे। दोस्तों वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि हंसना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति हंसता नहीं है वो ज़्यादा बीमार पड़ता है। हमेशा से छोटी छोटी बातों को लेकर जोर से हंसिए, उससे सेहत अच्छी रहती है और मन प्रफुल्लित रहता है। इसलिए तो हम देखते हैं कि टीवी में ज़्यादातर चैनल वाले हास्य के कार्यक्रम प्रसारित करती है ताकि लोग अपना दुख भूलकर थोड़ी देर के लिए भी वो कार्यक्रम देखें और हंसने लगे, क्योंकि हम सबके जीवन में हास्य का बहुत महत्व है और महत्व होना भी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लाफिंग क्लब में लोग पैसे लेकर जाते हैं और वहाँ पर हास्य के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। आप टीवी पर या रेडियो पर हास्य के कार्यक्रम सुनते ही होंगे, और आजकल तो अखबार में भी हंसने के लिए चुटकुले दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ चुटकुले दिए हैं, वो आगे देखते हैं। मालिक कहता है किराएदार से, मालिक मकान मालिक मैं किराएदार से कहता है, तुम तो मुझे किराए क्यों नहीं देते, तुम मुझे किराए क्यों नहीं देते। किराएदार कहता है, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। जिस दिन वो किराएदार या इस घर में किराएदार बनकर रहने आया था, तभी मालिक ने कहा था इसे अपना ही घर समझना, इसलिए किराया वो नहीं देता। अब दूसरा चुटकुला, लोग क्या करते हैं, दूसरों की बात को मानकर जैसा कहा होता है उसके वो सेम टू सेम ऐसा ही करते हैं, नकल करते हैं। जैसे कि सोनू का सिर फट गया, सुनिए गौर से, सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, अगर कोई व्यक्ति कोई हाथ पैर तोड़कर जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ये पूछेगा ज़रूर कि कैसे हुआ। सोनू का सिर फट गया तो वो अस्पताल गया, तो डॉक्टर सोनू से कहता, यह कैसे हुआ। सोनू डॉक्टर से, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, एक आदमी ने मुझसे कहा गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया कर, तो मैं खोपड़ी से वो पत्थर कील ठोक रहा था।
आगे देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। जरा ऊंचा बोलो, माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति का फोन आया तो सामने वाले को स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहा था, तो सामने वाले ने कहा कि ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, तो वो टेबल पर चढ़ गया और बोला कि और थोड़ा और ऊंचे बोलो, तो वो टेबल के ऊपर दूसरा टिपोई रख के चढ़ गया, तो सामने वाले कहा कि और ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, तो वो छोटी सी टिपोई के ऊपर चढ़ गया, मतलब बहुत ऊपर चढ़ गया, तो सामने वाले ने बोला कि ऊंचा बोलो, तो वो कहता है कि माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। चलो, ऊंचा बोलने का मतलब क्या था, जोर से बोलना था, और ये भाई साहब ने क्या समझ लिया, ऊंचाई पे जाकर बोलना है। आगे देखते हैं दूसरे वीडियो में, चित्र में। यहाँ पर एक स्टूडेंट को अपने घर से ऐसा बोला गया कि डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए। बच्चों के रिजल्ट आए हैं, उसमें क्या कि डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए। तो डब्बू कहता है क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि इतिहास में ज़्यादातर प्रश्न हमारे जन्म के पहले से हैं, इसलिए कहता है कि मैं क्या करता, प्रश्न ही ऐसे पूछे गए थे जो मेरे जन्म के पहले के थे। आगे देखते हैं, मुन्ना कहता है पापा कल मैंने रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई की। मुन्ना कहता है पापा कल रात को मैंने 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता कहता है शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना कहता है सच सच, मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। बोलो, अब रात के समय में लाइट चली जाएगी, बिजली, तो वो कैसे पढ़ पाएगा, वो झूठ बोल रहा था। लेकिन उसे कैसा जवाब दिया कि मैं तो पढ़ने में इतना मशगूल था कि मुझे पता ही नहीं चला। मग्न होना मतलब मशगूल होना, तल्लीन होना, कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला। अब एक लड़का दूसरे को ऐसा बोल के जाता है कि मैं डाक खाने जाता हूँ, तो दूसरा कहता हाँ हो, कितना भूखा है, कागज़ पत्र भी खा जाएगा। ये डाक खाना मतलब पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा था, और जो दूसरा व्यक्ति था वो समझा क्या, खाने की बात समझ गया। तो ऐसे चुटकुले आपने देखे, एक और चुटकुला आपको मैं सुनाता हूँ कि गौर से सुनिएगा तो आपको उसमें मज़ा भी आएगा। संता और बंता, उसमें से संता और बंता में से बंता कहीं पर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर गया। प्लेटफॉर्म पर खड़े थे बंता जी, प्लेटफॉर्म पर खड़े थे तभी ट्रेन आने की घोषणा हुई। आप जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो कोई ट्रेन आने वाली होती है, उसकी सूचना दी जाती है ना। तो बंता ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर था और सूचना आई कि खड़े थे तभी ट्रेन आने की घोषणा हुई, और वो रेलवे ट्रैक पर कूद पड़ा। जैसे ही पता चला कि भाई ट्रेन आने की सूचना मिली, वो रेलवे ट्रैक पर कूद पड़ा। उन्हें कूदते हुए देखकर एक आदमी चिल्लाया और बोला कि सरदार जी क्या कर रहे हो, मर जाओगे। तो बंता जी बोले मरेंगे तो आप, अभी अभी सूचना नहीं सुनी कि ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। तो वो क्या समझा, प्लेटफॉर्म पर आएगी, प्लेटफॉर्म पर आना मतलब वो प्लेटफॉर्म के पास आती है, प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आती। तो आज हमने यहाँ पर इस वीडियो में ये देखा, कुछ चुटकुले देखे, तो इसमें कुछ प्रश्न है। सामयिकों अखबारों से वे में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने या पढ़े उन्हें लिखिए। दूसरा है निम्नलिखित परिच्छेद में मुहावरे पढ़िए और मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ लेकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आगे आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ लेकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, इसका अर्थ होता है, इस मुहावरे का अर्थ है आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना।
इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। कमर कस के मतलब वो भी खूब मेहनत करना। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। ईद का चांद मतलब दुर्लभ होना, कभी कभी ही जिसके दर्शन होते हैं वैसा। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। आस्तीन का सांप होना मतलब विश्वासघाती होना, नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। आग बबूला होना मतलब गुस्सा होना या गुस्सा करना। अब यहाँ पर देखना है हमें कि रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखे। लिंग बदलना है मतलब जहाँ पर स्त्रीलिंग है वहाँ पर पुल्लिंग आएगा और जहाँ पर पुल्लिंग है वहाँ पर स्त्रीलिंग आएगा। तो देखते हैं पहला वाक्य कि मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो उसका रेखांकित शब्द है दादाजी, तो उसकी जगह आएगा दादी जी। तो उसका वाक्य ऐसा आएगा कि मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। फिर दूसरा वाक्य है कि एक आदमी ने मुझसे कहा, तो लिंग बदल कर लिखना है, तो उसका आएगा एक औरत ने मुझसे कहा।